हाय गाइस, वेलकम टू अंदर न्यू ब्लॉग। आई होप गाइस यू आर एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों आज 30 जुलाई और मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं। फिलहाल दोस्तों मैं खेत में आया हुआ हूँ, खेत पर मुझे कुछ काम था, इस कारण मैं खेत में आ गया। और दोस्तों आज का ब्लॉग स्पेशल होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज तीज का त्यौहार, तो दोस्तों इस दिन हमारे गाँव में तीज का मेला लगता है। सो मैं आपको उस मेले का ही ब्लॉग दिखाऊंगा। सो आप ब्लॉग में आगे तक कंटिन्यू बने रहना। दोस्तों मेला तो शाम को लगता है, तब तक थोड़ा बहुत खेत में काम कर लेते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। सो इन्जॉय कीजिए आप यहाँ का व्यू। और दोस्तों सनराइज हो रहा है, काफी ब्यूटीफुल, मैं आपको दिखाता हूँ। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing all right. गाइस 9 बज रहे हैं और खेत के काम से फ्री हो गया हूँ, अब चलूंगा घर। और आज तो हमारे सूर्य भैया की छुट्टी कर दी है बादलों ने। ये देखो गाइस, काफी ज्यादा बादल हो रहे हैं। सुबह तो ऐसे लग रहा था कि दिन भर धूप रहने वाली है, पर दोस्तों आज धूप नहीं है, इस कारण मेले में जाने में भी मजा आएगा। तो शाम को आपको लेकर चलेंगे। गाइस शाम के 5:30 हो गए हैं और अब मैं जा रहा हूँ मेले में। मैं बता दूं दोस्तों, मेला डूंगरी वाले बालाजी के ही लगेगा। सो वहाँ पर चलते हैं। मैंने वहाँ का ब्लॉग तो काफी बार बना रखा है, अगर आपने मुझे पहले से फॉलो कर रखा होगा तो आपको पता होगा। सो चलते हैं और आपको दिखाते हैं मेला कैसा लग रहा है। गाइस मेले में पहुंच गए हैं और अब आपको ऊपर ले जाकर दिखाऊंगा मेला अच्छे से। तो चलते हैं डूंगरी के ऊपर और फिर दिखाता हूँ। गाइस डूंगरी के ऊपर आ गया हूँ और आप भीड़ देखें, मेले में काफी ज्यादा भीड़ है। ये देखो गाइस, मैं आपको नीचे भी दिखाता हूँ, जूम करके आप देख सकते हो, वहाँ पर नीचे मेला लगा हुआ है। ये देखो दोस्तों, मैं आज आपको मंदिर में लेकर नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इस कारण मैं आज मंदिर में नहीं जा रहा हूँ। मैंने मंदिर का ब्लॉग पहले ही बना रखा है, सो आप वो चैनल में जाकर देख लेना। गाइस आप व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है, सो आप मेला इंजॉय कीजिए। Took you out and showed you the city. How would you let somebody so pretty? Is what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance. Yeah, face value had you at a glance. Yeah, but nobody ever asked if you could dance. Yeah, well, the only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think I bought you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody, somebody. गाइस मेले में काफी ज्यादा भीड़ है, काफी ज्यादा लोग आसपास से आए हुए हैं यहाँ पर मेले में, मंदिर में दर्शन करते हैं और बाहर मेले का आनंद ले रहे हैं। सो बाहर चलकर मैं आपको दिखाता हूँ मेले का और भी अच्छे से, तो बाहर चलते हैं। गाइस मैं नीचे की तरफ आकर बैठ गया हूँ और आप नज़ारा देखो कितना प्यारा लग रहा है। और इस तरफ मेला जोरों शोरों से भर रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, मैं आपको नीचे ले जाकर भी दिखाऊंगा। फिलहाल आप यहीं से इंजॉय कीजिए।
दोस्तों 7:30 हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है। अभी फिलहाल नीचे जा रहा हूँ और फिर घर चलूँगा। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight. Thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked. So out of my league. Your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you'd been waiting for somebody like me. गाइस मैं ऊपर से नीचे आ गया हूँ और व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है। 8 बज चुके हैं तो घर चलते हैं। अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, पैदल ही चलेंगे दोस्तों घर। Took you out and showed you the city. How would you let somebody so pretty? Is what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance. Yeah, face value had you out of grass. Yeah, but nobody. गाइस गुड मॉर्निंग टू नेक्स्ट डे। दोस्तों रात को डूंगरी पर से तो मैं 8:15 पर घर आ गया था। उसके बाद मैं खाना खाकर सो गया था क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। सॉरी दोस्तों मैं आपको मेले का ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि दोस्तों वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ के कारण मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, जितना पॉसिबल हो पाया उतना मैं आपको दिखा दिया। अभी फिलहाल मैं खेत पर आया हुआ हूँ। सो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप गाइस आपके ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो वरना डिसलाइक कर सकते हो। इसके साथ दोस्तों कमेंट करके बताना और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं इसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।